हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम बात करने वाले अक्षय कुमार की न्यू मूवी राम सेतु का जो एक ग्लिम्स पोस्टर यहाँ पे रिलीज हुआ है। इस मूवी के अंदर आपको नजर आने वाले अक्षय कुमार, जैकलिन फर्नांडिस, नुसरत बागची और सत्यदेव। तो इस मूवी का ग्लिम्स पोस्टर आज के दिन यहाँ पे रिलीज करवा दिया गया, जो कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। यहाँ पे अक्षय कुमार मशाल लेके खड़े हुए हैं, साथ साथ आपको जैकलिन फर्नांडिस और जो सत्यदेव काफी इंटरेस्ट लुक के अंदर तीनों के तीनों यहाँ पे नजर आ रहे हैं। जो बैकग्राउंड के अंदर देखने को मिल रहा है वो भी काफी शानदार देखने को मिल रहे हैं। बता दूं, ये जो मूवी होने वाला है राम सेतु, ये एक थ्रिलिंग एडवेंचर मूवी होने वाला है और राम सेतु के कौन से पार्ट को एक्सप्लोर करने वाले, मतलब ये नाम से एक्साइटमेंट यहाँ पे भर के आता है कि ये मूवी किस विषय में होने वाला है, एग्जैक्टली ये सब्जेक्ट क्या होने वाला है और ये मूवी किस दिशा में यहाँ पे जाने वाला। एंड सच में मैं इस मूवी के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था। बहुत दिनों के बाद मैं अक्षय कुमार की किसी मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हूँ, क्योंकि अभी के जो अक्षय कुमार देखने को मिल रहे हम वो अक्षय कुमार नहीं देखना चाहते। अभी इस मूवी के अंदर वो जो रोल प्ले करे ये अक्षय कुमार हमें देखना है, और ये अक्षय कुमार अगर आता है तो वो उनके करियर के लिए भी और उनके फैंस के लिए भी काफी अच्छा होने वाला, क्योंकि हमने अक्षय कुमार को इसी तरीके से दिखाया, नए नए कैरेक्टर के अंदर वो जाते एंड जान डालते एंड उसको अलग ही लेवल पे प्रेजेंट करते। वो इसी के लिए जाने जाते हैं कि किसी भी कैरेक्टर में वो घुस जाते कैसे भी, वो कॉमेडी रोल हो, सस्पेंस रोल हो, एक्शन रोल हो, किसी भी रोल हो, ये बंदा हर जगह पे घुस जाता है, इसीलिए उसको ऐसा एक्टर माना जाता है। लेकिन अभी वो जिस तरीके से कॉपी में घुस रहे, रीमेक में घुस रहे, भीमल के अंदर घुस रहे, ये अक्षय कुमार हमें नहीं चाह रहे। सुनारू पोत्रू का जो है रीमेक वो कर रहे हैं, तो हम नहीं चाहते कि अक्षय कुमार ऐसे डायरेक्शन में जाए। हम चाहते कि ये जो मूवी के अंदर उन्होंने एक चैलेंजिंग रोल प्ले करे, जिसको देखने के लिए हम एक्साइटेड है कि इसके अंदर वो क्या करने वाले, उनका रोल किस हिसाब से होने वाला है, ये मूवी किस हिसाब से होने वाला है। राम सेतु नाम सुन के ही थोड़ा सा एक एक्साइटमेंट भर देता है कि ये मूवी किस हिसाब से होने वाला है, कैसे एडवेंचर करने को मिलेगा, क्या क्या चीज उस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। जो पोस्टर भी यहाँ पे रिलीज किया वो भी यहाँ पे सस्पेंस क्रिएट कर रहा है, तो ऐसे चीज हम देखना चाहते हैं और अक्षय कुमार यही डिजर्व करता है। और अक्षय कुमार से हम यही चाहते हैं कि वो नए नए चैलेंजिंग रोल को प्ले करे, हम देखें और हम इंजॉय करें, दैट्स इट। हम रीमेक नहीं चाहते। तो इतना बड़ा एक्टर अगर खुद के दम में मूवी बनाएगा, वो एक बेस ऑडियंस, अच्छे खासे ऑडियंस को अपनी तरफ खींच सकते हैं, क्योंकि उनका स्टार पावर इतना ज्यादा है। तो प्लीज रीमेक मूवी से ज्यादा आपको ऐसे मूवीज करने चाहिए। तो इस विषय में आपको क्या कहना है मुझे कमेंट बॉक्स जरूर से बता सकते हो। राम सेतु के लिए आप कितना एक्साइट हो वो मुझे कमेंट बॉक्स जरूर से बता सकते हो। पोस्टर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स जरूर से बताइएगा। तो दिवाली के अंदर मूवी रिलीज हो रहा है, तो उस टाइम पे कोई मूवी भी नहीं होगा, तो ये आराम से रिलीज हो, तो आने वाले टाइम के अंदर इसमें डिटेल में बात करेंगे। सो आज के लिए वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।